नमस्कार, मैं जो है आप देख रहे हैं असल न्यूज। असल न्यूज में आपका स्वागत है। इसरो को राउटर इमेजिंग सैटेलाइट रीसेट 2BR1 का आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण करेगा। इस सैटेलाइट से भारतीय सुरक्षा बलों की सभी मौसम में निगरानी की क्षमता बढ़ जाएगी। यह सैटेलाइट धरती पर मौजूद किसी बिल्डिंग या किसी वस्तु की तस्वीरें दिन भर में ही 2 से 3 बार ले सकती है। भारत ने अंतरिक्ष में एक और छलांग लगाने की तैयारी कर ली है। रीसेट 2BR1 सैटेलाइट के लॉन्च के साथ ही भारत अंतरिक्ष में और मजबूत हो जाएगा। इस सैटेलाइट को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इसरो के एक सूत्र ने बताया, रीसेट 2BR1 नाम की यह सैटेलाइट पिछली रीसेट सैटेलाइट से ज़्यादा एडवांस है। हालांकि ये देखने में बिल्कुल पिछली रीसेट सैटेलाइट्स की तरह ही दिखती है। इसमें निगरानी रखने और तस्वीरें खींचने की क्षमता में बढ़ोतरी की गई है। रीसेट का एक्स बैंड साइथेनिक अपर्चर राडार SAR इस सैटेलाइट को सिर्फ दिन ही नहीं बल्कि रात में भी साफ तस्वीरें लेने और सभी मौसमों में ऐसा कर सकने की क्षमता देता है। यह रडार घने बादलों को भेज सकता है और 1 मीटर दूर से ही किसी वस्तु की तस्वीरें ले सकता है। इतना ही नहीं बल्कि अगर 2 वस्तुएं मात्र 1 मीटर दूर रखी है तो दोनों की पहचान भी कर सकता है। धरती पर मौजूद किसी बिल्डिंग या वस्तु की तस्वीर यह रडार दिन भर में 2 से 3 बार ले सकता है। इससे भारतीय सेनाओं को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रहे जिहादी कैंपों पर नज़र रखने में बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा LOC के पास होने वाली घुसपैठों पर भी उसकी नज़र मजबूत होगी, जिससे घुसपैठ के मामलों में कमी आएगी और सीमा पार से आतंक का खतरा कम होगा। यह सैटेलाइट समुद्र में दुश्मनों के जहाजों को भी अच्छे से ट्रैक कर सकने में सक्षम है। यह हिंद महासागर में चीनी और अरब सागर में पाकिस्तानी जलपोतों पर गहरी नज़र रखेगा। अगर आपको हमारी ये न्यूज़ पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।